जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये है आपका अपना चैनल, मैं हूँ रहीम यूसुफ़ज़ई। इस दफ़ा जो मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग सीरीज़ लाया हूँ वो है आज़रबैजान, जो एक एशियन कंट्री, लेकिन उसको यूरो एशियन कंट्री बोलते हैं। मोस्ट रिसेंटली फार्मूला वन रेसिंग सीरीज़ यहाँ पे एक रेसिंग कार सीरीज़ हुई है 2022 में। वहाँ के मड वॉल्केनो से लेके मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा वहाँ के जो फायर माउंटेन्स हैं जहाँ से आग निकल रही है। इसके अलावा वहाँ के जो फायर टेंपल्स हैं जहाँ पे आग की पूजा होती है वो आपको दिखाऊंगा, और वहाँ के मसाजिद, वहाँ के मॉस्क्स वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, वहाँ की स्ट्रीट लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वहाँ के जो ओल्ड सिटीज़ हैं, वहाँ के जो मोनूमेंट्स हैं, वहाँ के जो पार्क्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये जो व्लॉगिंग सीरीज़ है ये आप एंड तक देखें, इसमें देखें कि कौन सी चीज़ आपको एंटरटेन कर रही है, कौन सी चीज़ आपको बोर कर रही है, तो वो लाजिम कमेंट सेक्शन में हमें लाजिम बताइएगा कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। फ़िलहाल ये सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी की पूरी देखें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू। जी नाज़रीन, वीडियो के आखिर में मैं आपको लाजिम एक टिप दूंगा, ट्रेवल टिप, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, आप भी लाजिम देखें। अच्छा जी, ये बिल्कुल फ़र्स्ट व्लॉग है, कैसे हमने वीज़ा गेट किया ये मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहले हमने वीज़ा ऑनलाइन गेट किया और एयरपोर्ट पहुँचे, शारजा एयरपोर्ट, एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी हमारी, और हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए यहीं पे, मतलब बुकिंग के बारे में पूछा गया और कुछ चंद सवालात जैसे वीज़ा वगैरह, ऑनलाइन पहले गेट किया हुआ है सब कुछ। तो उसके बिना पे हमें बोर्डिंग पास मिल गया, फिर हम बोर्डिंग एरिया में चले गए। बोर्डिंग एरिया से हमने कुछ वेट किया अराउंड लाइक हाफ आवर जितना भी था। अभी हमने लैंडिंग की है आज़रबैजान में, ये आज़रबैजान है। तो हमने तो ऑनलाइन वीज़ा हासिल किया था, इसलिए हमें वो झंझट में से नहीं गुजरना पड़ा कि वहाँ पे जाके वीज़ा अराइवल हम गेट करें। वैसे अगर किसी ने ऑनलाइन वीज़ा गेट नहीं किया तो पहुँचने के फ़ौरन बाद आप यहाँ पे ये जिस तरह लाइन में खड़े, इस तरह लाइन में खड़े होके वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है। वैसे आज बहुत ज़्यादा रश था जब हमने फ़्लाइट किया था, तो ये रश भी आप देख सकते हैं। ये आज़रबैजान का एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा नहीं है, अच्छा खासा रश था। तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा हम खड़े रहे लाइन में, और अभी हम अंदर जा रहे हैं आज़रबैजान की तरफ। बहुत ज़बरदस्त, वैसे अच्छे खासे इमिग्रेशन से हम गुजरे हैं यार, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हॉलीडेज़ हैं और हॉलीडेज़ में बहुत ज़्यादा रश हमें मिला, अच्छा खासा वेट करना पड़ा। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है हमारा, और फर्स्ट टाइम विज़िट पे कहीं आया हूँ। हमें पहुँचे हुए तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया, और डेढ़ घंटे बाद हमें इमिग्रेशन हमारी क्लियर हुई है, बहुत ज़्यादा रश था। और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जिस होटल में हमारी बुकिंग हुई है उसके बंदे का वेट कर रहे हैं, वो जो ही आएंगे तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। शायद हमें नहीं मिल रहा, इधर ही कहीं होंगे, हमारे जो दूसरे दोस्त हैं उसको चेक कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ये आज़रबैजान एयरपोर्ट है, और ये बाहर की तरफ लोग जा रहे हैं। खूबसूरत माहौल है, अच्छा है, और आखिरकार हमें अपना बंदा मिल गया। अभी हम जाएंगे, ये जी बाहर से व्यू है आज़रबैजान एयरपोर्ट, वो ज़बरदस्त व्यू। हाँ, होटल का बंदा हमें मिल गया, ये मोटा जो जा रहा है, और ये हमारे जुनैद भाई हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का तो कोई मेरे ख्याल में ख्याल नहीं रखने वाला। वेरी गुड, ज़बरदस्त। हाँ, तो हमारे ड्राइवर साहब को कुछ भी नहीं आता इंग्लिश उर्दू। हाँ ठीक है, सही, अच्छा है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जुनैद भाई। हाँ ठीक 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 ठीक, फोन पे बात कर रहे हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त पार्किंग इन्होंने लगाई हुई है, वेरी गुड है। एयरपोर्ट अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये है कि मिसमैनेजमेंट वाकई है, और बहुत ज़्यादा फ्लो है, और उस फ्लो की वजह से इसे मैनेज नहीं हो पा रहा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन इतना ज़्यादा टाइम हमें लग गया। यक्ष 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 ओके,
ओके यक्ष 30 किलोमीटर यक्ष नॉट ओके यक्ष तुसा ओ इंतजार ओ वेट यू नो फ्लाइट वाज लेट वी आर रियली सॉरी अबाउट दैट यार बंदे ने हमारा तकरीबन 2 घंटे का वेट किया यहाँ पे और असल में हमारा जो जहाज़ था वो वहाँ शारजा से ही लेट था इस वजह से तो लिटरली हमारा विज़िट अभी बाकू का स्टार्ट हो गया अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ लकासा होटल अच्छा खूबसूरत जगह है और तो जिस टाइम हम एयरपोर्ट से निकले तो हमें रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला। सिस्टम इनका काफ़ी बेहतर है, सुपर्ब तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है इनका, बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़ लाइक इट्स रियली गुड। और अगर आप रास्ते में जाएं तो आपको ग्रीन बेल्ट्स नज़र आएंगे, इन्होंने प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। और इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त है। जो बिल्डिंग्स हैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी जो जदीद किस्म की होंगी। और यहाँ पे ओलंपिक्स भी हुआ है, यूरोप ओलंपिक्स, उसका स्टेडियम भी है यहाँ रास्ते में जब एयरपोर्ट से हम जाते हैं। एम्बुलेंस को मैंने देखा बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने रास्ता दिया और सब साइड पे हो गए, एम्बुलेंस का रास्ता बिल्कुल नहीं रोका, इवन कि हम रश में फंसे हुए थे। मॉडर्न बिल्डिंग्स भी हैं इसमें और पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं इसमें, बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन दरख्त आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब एक ऐसा इलाका जो मॉडर्न है और उसने प्लांटेशन को और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको ख़त्म किया हुआ है। इसी वजह से यहाँ का मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, जदीद किस्म का आर्किटेक्चर एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। सिक्योरिटी सिस्टम सर्वेलेंस यहाँ का सीसीटीवी सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा कैमरास इंस्टॉल हुए हैं। और आप रोड को इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से, रोड्स को मतलब सर्वेलेंस के लिए जो रोड सर्वेलेंस है उसको बड़ा तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि अगर कोई गलती होती भी है किसी से रोड पे तो वो उसको ये सर्वेलेंस उसकी कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि इनकी एक हिस्ट्री है। और जो न्यू बिल्डिंग्स हैं उससे ये पता चलता है कि यार ये लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं और कितने ये तरक्की याफ्ता हैं। वैसे मोस्ट रिसेंटली यहाँ पे एक Formula 1 रेसिंग, जो कार रेसिंग है Formula 1, वो भी हुई है पिछले महीने। तो मतलब ये है कि अज़रबैजान बज़ात ख़ुद एक ऐसी जगह है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि डेवलप्ड, अगर फुल नहीं है तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस तरह नहीं आता। गवर्नमेंट की बिल्डिंग हमने देखी, खूबसूरत है। इशारे पे ये देखें रश बना हुआ है, तो ये जो रश बना हुआ है ये इसी वजह से कि आपको यहाँ पे ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पासदारी इतनी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज़ वेल। अगर आप ज़ेबरा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं तो, और अगर आपका इशारा ग्रीन है और रोड का इशारा रेड है तो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा कि कोई आपको एक्सीडेंट से आप बच जाएं। हिल्टन और इंटरकॉन्टिनेंटल दो होटल हैं यहाँ के बहुत अच्छे बाकू में। वैसे यहाँ पे रास्ते में जगह जगह जाते हुए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो बिल्कुल रेयर या इस तरह थी जिसका कोई मकसद, शायद क्या मकसद होगा। जैसे ये सामने आपको नज़र आ रहा है एक बंदा दूसरे बंदे को गोद में लिए हुए उठा रहा है, इसकी मुझे समझ नहीं आई।
आप बता सकते हैं मुझे कि इसका क्या मकसद हो सकता है? वल्लाहु आलम। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम एयरपोर्ट से निकले तो नीचे जो इलाका था ये मैदानी इलाका है, प्लेन है, और जब हम बाकू शहर के जो ओल्ड एरिया है या जिसको कहते हैं कि जो सिटी सेंटर है उसमें पहुँचें, जहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आपको नज़र आएगा, हिल्टन नज़र आएगा, और जहाँ पे ओल्ड सिटी आपको बाकू का नज़र आएगा, जहाँ पे फ्लेम टावर्स आपको नज़र आएंगे, ये जो इलाका है ये सारा थोड़ा हिली टाइप है, माउंटेंस नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल प्लेन भी नहीं है, पहाड़ी टाइप इलाका है और ख़ूबसूरत है। यहाँ की आबादी जितनी भी है वो ऐसी है कि मतलब पुरानी आबादी है, लेकिन उसमें नई आबादी भी आपको मिलेगी। तो तकरीबन आधा पौना घंटे की ड्राइव से हम अपने सेंटर में पहुंच गए। यहाँ जिस इलाके में हमारा होटल है उसको निज़ामी बोलते हैं, निज़ामी इलाका है, छोटे छोटे इलाके हैं एड्रेस में, तो निज़ामी स्ट्रीट के इलाके में हम पहुंच गए यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी लग रही है, ये निज़ामी स्ट्रीट निज़ामी इलाका है यहाँ का, आज़रबैजान का। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जगह खूबसूरत है, वो अलग बात है, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी 5 स्टार नहीं है, 3.5 और 4 स्टार एडमिनिस्ट्रेशन। और इस वक्त हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये जो इलाका है इसको निज़ामी इलाका बोलते हैं, निज़ामी निज़ामी स्ट्रीट बहुत ही मशहूर जगह है यहाँ की, और ओल्ड सिटी है ये यहाँ का। और हम मुझे तो ये जगह बहुत पुरसकून लगी है, बहुत ज़बरदस्त। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे इंटरलॉक भी लगाए हैं बहुत खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं। बिल्डिंग सारे पुराने दौर के बिल्डिंग हैं, पुरानी इमारतें हैं सारी और पुराने होटल्स हैं। थैंक यू। और उन्होंने हाथ हिलाया हमारी तरफ कि बंदा तो कोई वीडियो कर रहा है। आप ये देखें, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही है, खस्ता हाली में बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कुछ सिस्टम अच्छा लग रहा है मुझे बनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल में पानी का सिस्टम है, क्या क्या जनरेटर लगा हुआ है, गैस है मेरे ख्याल में, हाँ गैस सप्लाई है, गैस का मीटर भी लगा हुआ है। गैस का मीटर तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लगा हुआ है। अच्छा, हमारे साथ हाथ होने वाला था, हमें जिस बंदे ने पिक किया वो दूसरे किसी होटल में हमें लेके चला गया। तो मैं कह रहा था कि जो ड्राइवर हमें एयरपोर्ट से लेके आया वो हमें किसी दूसरे होटल में लेके जा रहा था, लेकिन हाथ होने वाला था हमारे साथ, लेकिन हमें समझ आ गई बात की, तो हमने कहा नहीं, हमने अपने जिस होटल में रिजर्वेशन की है उसी में जाना है बस। और आखिरकार हम अपने होटल में पहुंच गए हैं जुनेद भाई की काविश से। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं लकासा। लकासा साहिल को ढूंढते ढूंढते हम बहुत थक गए यार, लेकिन ये जुनेद भाई की मेहरबानी है कि वो हमें पहुंचा गया आखिरकार। और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यार यहाँ का, आप देख सकते हैं ये रूम है हमारा, ज़बरदस्त। तो बाकी स्टोरी मैं बाद में शेयर करूँगा कि क्या हुआ। अच्छा, अगर लैपटॉप आपने साथ में लेके जाना हो कहीं टूर पे जा रहे हैं तो इस किस्म का बैग ना लेके जाएं साथ में, क्योंकि इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैकपैक जो है वो सही रहता है।